अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बीफ की रेसिपी लेके आए हैं। ये है खड़े मसाले का गोश्त। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ज़्यादा इजीली बन जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे आज बनाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। आप ये सेम रेसिपी चिकन या मटन में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 1 kg बड़े साइज़ में कटे हुए बीफ ले लिए हैं और ये सलामी का गोश्त है जिसका रेशे रेशे में फैट रहता है। इसी गोश्त में ये रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छा बनती है। और अगर आपके पास ये गोश्त अवेलेबल ना हो तो आप ऐसा गोश्त ले जिसमें 60% गोश्त हो और 40% फैट हो। अब हम इसमें 3 इंच फ्रेश अदरक को एकदम फाइनली काट के ले लेंगे। 10 से 12 लहसुन का क्लॉव्स को भी पतले पतले स्लाइसिस में काट के ले लेंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 से 6 टुकड़े दालचीनी लिए हैं, 1 तेज़पत्ता लिए हैं और 5 से 6 लौंग लिए हैं। 1 जावित्री को तोड़ के ले लिए हैं और 7 से 8 पीसेस पतले स्लाइसेस में कटे हुए जायफल ले लिए और 3 से 4 सूखे मिर्च को काट के ले लिए हैं। अब ये सारे खड़े मसाले को गोश्त में ऐड करने के बाद टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे और 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसमें केवड़ा ऐड करेंगे। केवड़ा का जो कैप है उसी कैप से 1 कैप केवड़ा वाटर इसमें ऐड कर देंगे। अब इस गोश्त को कुकर में ऐड कर देंगे और इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 kg प्याज लिए हैं। 1 kg बीफ के लिए 1/2 kg प्याज ज़रूर लीजिए आप, इसमें प्याज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो प्याज को भी उस गोश्त के साथ कुकर में ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे और कुकर का लीड लगा के हाई फ्लेम में 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। हमने इसमें 3 सीटी लगाने के बाद अब कुकर से इसको एक फ्राइंग पैन में निकाल लिए हैं। अब इसमें 4 इलायची को क्रश करके ऐड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम में ही बीच बीच में स्टर करते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। इसको ढक करके बिल्कुल नहीं पकाना है और जब तक इसका पानी रिड्यूस होके मसाले अच्छा से भुना जाएगा तब तक हम इसे बीच बीच में स्टर करते जाएंगे और ऐसे ही पकाते जाएंगे। आधे घंटे हमने इसे मीडियम फ्लेम में रख के पकाए हैं और अब देखिए मसाले इसका बिल्कुल तैयार हो चुका है भून के और इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगी है। तो आप इसे थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छा से भुने। अब ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट पर रख देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। मसाले का गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप इसे रोटी, चावल, पुलाव किसी के साथ भी ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, सबको बहुत पसंद आएगा। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।